हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिली पोटैटो, हनी चिली पोटैटो बनाएंगे। इसके लिए हमने ये तीन बड़े साइज का आलू लिया है। इसको इस तरीके से छील लेंगे। इस तरीके से आलू को हम छील लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने आलू को छील लिया है। ये लास्ट बचा है, इसको भी ऐसे ही छील लेते हैं इस तरीके से। अब इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। पहले ऐसे तीन पार्ट में कर देंगे इसको, तीन चार पार्ट में ऐसे करके, और फिर इसको हम काटेंगे। इस तरीके से इसका पार्ट बना देते हैं और फिर इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। ऐसे लंबे शेप में हमें काटना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको काट लिया। इस तरीके का शेप देना है हमें। आप देख सकते हैं ऐसे हमने काट लिया इस तरीके से। ऐसे ही सबको काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसा शेप देना है हमें। इस तरीके से हम इसको सबको काट लेते हैं। इस तरीके से हमने पीसेस बना लिए हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज में पीसेस बनाते हैं आलू का, वैसे ही पीसेस हमने बना लिया है। अब इनको हम पानी में एक बाउल लेंगे और इसमें हमने पानी डाला है और पानी में इसको डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे, दो तीन बार इसको अच्छी तरीके से हमें धो लेना है ऐसे इस तरीके से। अब हमने गैस ऑन कर दिया है और एक पैन लिया है, इसमें हमने तीन कप पानी डाला है। पानी को थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। पानी खोलने लगेगा तब ये जो आलू को हमने शेप देके रखा है इसको डाल के हम उसको बॉयल करेंगे, यानी कि पकाएंगे। और आलू को हमने पानी में डाल दिया है जिससे कि काला न पड़ेगा। इसको दो तीन बार अच्छी तरीके से धो लिया है और धो के फिर इसको हमने पानी में डाल दिया है जिससे आलू काला नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको पानी में डाल दिया है और इस जो पानी हमने पैन में चढ़ाया है इसको गर्म होने देते हैं। फिर इस आलू को उसमें डालेंगे, इसमें से निकाल के उसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म हो जाए। पानी हमारा गर्म हो गया है। अब ये जो आलू को हमने शेप दिया है इसको इसमें डाल देते हैं, हम पका लेंगे। इसको हमें ज्यादा नहीं पकाना है, हाफ ही कुक करना है। ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। इसको इस तरीके से इसमें डाल देते हैं और इसको हम पका लेते हैं आलू को इस तरीके से। आप देख सकते हैं अब इसको हम ढक देंगे और ढक लेते हैं। इसको दो से तीन मिनट तक हम ढक के पकाएंगे। आप देख सकते हैं आलू को हमने पैन पर बॉयल कर लिया है। इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है, इतना ही पकाना है। आप देख सकते हैं हमें हाफ कुक करना है इसको। ये देखिए पक चुका है अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, बाउल में निकाल लेते हैं। आलू को हम ज्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि इसको फ्राई भी करना है। इसको हम इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं बाउल में। देख सकते हैं ये देखिए आलू को हमने पका लिया है। एक तोड़ के दिखाते हैं, ये देखिए आलू पक चुका है हमारा। अब ये आलू में डालेंगे चार चम्मच चावल का आटा। इस तरीके से हमें डालना है। आप देख सकते हैं चार चम्मच हमने चावल का आटा लिया है।
तरीके से डाल के और इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि इस पर कोटिंग हो जाए अच्छी तरीके से आलू पे। इस तरीके से हमने कोटिंग कर लिया है, ये देख सकते हैं आलू पे कोटिंग हो चुका है अच्छी तरीके से। हाथों से भी ऐसे इसको कोटिंग कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे हम इसको। इसको कोटिंग करना है हमें, आप चाहे तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, या ऐसे भी हाथों से भी आप मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें कोटिंग हो चुका है अच्छी तरीके से। हमने एक तेल डाल दिया है, ऑयल को गरम कर लिया हमने, अब इसको डाल के इसमें हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। डाल के इसको फ्राई करना है, ज्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, हमें इसे दो बार फ्राई करना है, इसलिए हम थोड़ा सा फ्राई करके इसको निकाल लेते हैं और फिर दूसरी बार फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से इसे इसको दो बार हमें फ्राई करना है, इसलिए हम इसको हाफ ही फ्राई करेंगे। देख सकते हैं अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्न फ्लावर का यूज कर सकते हैं। कॉर्न फ्लावर का कोटिंग कर सकते हैं आलू पे इस तरीके से। हमने फ्राई कर लिया इसे, इसको निकाल लेते हैं। एक बार हमने फ्राई कर लिया है इस आलू को, और फिर दोबारा हम इसे फ्राई करेंगे, और अब की बार फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे फिर दूसरी बार। इसको अच्छी तरीके से अब की बार फ्राई करेंगे हम, इसको गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। दूसरी बार हम फ्राई कर रहे हैं जिससे काफी क्रंची बनेगा। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। और काफी क्रिस्पी भी बनेगा दोबारा फ्राई करने से। इस आलू को अगर हम दो बार फ्राई करते हैं, दोबारा फ्राई करने से काफी क्रिस्पी और क्रंची बनता है ये हमारा चिली पोटैटो। ये देखिए गोल्डन हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। काफी बढ़िया से फ्राई हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए इसी तरीके से हम बाकी पोटैटो को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम जो फ्राई कर रहे हैं दूसरी बार, तो अपना फ्लेम हम हाई रखेंगे। पहले मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई किया था, अब हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आलू को हमने फ्राई कर लिया है, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा को हम चटकने देते हैं, और जीरा जब चटक जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे, अब इसमें डालेंगे हम दो चम्मच प्याज, प्याज को हम एक दो मिनट तक फ्राई कर लेते हैं। इस
की कढ़ाई में हमने बनाया है, थोड़ा सा तेल खो दिया है। डालेंगे इसमें 2 चम्मच टमाटर इस तरीके से, टमाटर डालने के बाद इसमें डालेंगे लहसुन मिर्च और अदरक को हमने फाइन चॉप किया है, इसको हम 2 चम्मच डाल देते हैं, डाल के इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच गाजर, गाजर को भी हमने फाइन चॉप किया है, देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, हरा प्याज हमने लिया है, ये ऊपर का पोर्शन है, 2 चम्मच ये डालेंगे और नीचे को काटने से हम 3-4 चम्मच डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को हमने ऐसे लंबे लंबे शेप में काटा है, जैसे आलू का शेप हमने दिया है, जैसे फ्रेंच फ्राइज की तरह हमने इसका शेप दिया है, ऐसे शिमला मिर्च को भी हमने ऐसे लंबे लंबे शेप में काट लिया है। 1 शिमला मिर्च हमने लिया था, इसको डाल के इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच कढ़ी में नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, हमने 1.5 चम्मच कढ़ी में नमक डाला है इसमें, आप देख सकते हैं, इसको हम मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसको हम कुक कर लेंगे अच्छे से, कुक इसको ढकेंगे नहीं, ढकेंगे 2 मिनट तक हमें कुक करना है। थोड़ा सा धनिया पत्ती भी हम डाल देते हैं जिससे टेस्ट इसका काफी अच्छा आएगा। एक चम्मच इसमें हम सफेद तिल डालेंगे, इसको भी हम भून लेते हैं। तो काफी टेस्टी तैयार होता है फ्रेंड्स, इसको 2 मिनट तक पकाएंगे रोक लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चिल्ली सॉस, चिल्ली टमाटो सॉस है, 2 चम्मच हमने लिया था, आप देख सकते हैं, 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें सोया सॉस, इसको मिक्स कर लेते हैं। और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, आप देख सकते हैं, सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। अब हमने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसको हम पानी डाल के ऐसे इस तरीके से घोल लेंगे, इसको ऐसे घोल लेंगे पानी में कॉर्नफ्लावर को, जिससे इसमें गिल्टियां ना पड़े, क्योंकि गांठे जो पड़ जाती हैं ये गांठे नहीं पड़ेंगी इस तरीके से, अगर घोल के हम डालते हैं कॉर्नफ्लावर को तो गांठे नहीं पड़ती हैं, आप देख सकते हैं। कॉर्नफ्लावर को डाल देते हैं, थोड़ा सा और पानी ले लेते हैं, इसको डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हमने लो रखा था, अब मीडियम कर दिया है, अब मीडियम फ्लेम पे इसको हम पका लेते हैं, ज्यादा कुक नहीं करना है हमें, 2-3 मिनट तक ही हम इसे कुक करेंगे इस तरीके से। दो फ्लेम पे हम 2-3 मिनट तक कुक कर लेते हैं, 2-3 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब जो जिस आलू को हमने फ्राई करके रखा था इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से चिली पोटैटो आप बनाते हैं तो बाजार की
चिली पटेटो बिल्कुल भूल ही जाएंगे आप, घर पे ही बना के खाएंगे और बच्चों को भी देंगे। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बच्चों को काफी पसंद आएगा। इसका नाम है हनी चिली पटेटो, इसलिए इसमें हम लास्ट में एक चम्मच हनी डाल देते हैं, इससे और टेस्टी हो जाएगा, काफी टेस्टी तैयार होगा। देखिए इस तरीके से हनी हमने डाल दिया, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये तैयार है हमारा हनी चिली पोटैटो। अभी एक बार क्या हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से हम इसको सर्व कर लेते हैं। अभी एक बार जरूर ट्राई करें, अगर आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। बाय फ्रेंड्स।